कक्षा पढ़ती हूँ। आज हमारा प्रार्थना कार्य हिंदी कहानी झूठा तोता। गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। माय नेम इज पल्लवश्री। आई एम फ्रॉम फिफ्थ सावया। टुडेस प्रेयर एक्टिविटी इज हिंदी। टॉपिक इज झूठा तोता कहानी। एक जंगल में अनेक पशु पक्षी थे, उनमें एक तोता भी था। एक तोता हमेशा झूठ बोलता था, सब उसे फंसते थे कि झूठ बोलना गलत था। पक्ष नहीं सुनता था, इसलिए सब उसे फंसते थे कि छतर पटर। Once upon a time, there was a big forest full of animals and birds. Among them, one parrot also there. It was habituated to save lives, remaining all saying it was a not good thing. But parrot did not listen, so all were used to call him Chatter Patter. एक दिन उस तोता ने कहा कि मैं बड़ी दावत पर गया। वहाँ तरफ तरफ आहार पदार्थ से भोजन भी खाए, लेकिन सबको मालूम है कि ये बड़ी झूठ है। One day the parrot is said to went to a big party last night and enjoyed a lot of food items. Those are very delicious, but all animals know it was a big lie. इतने में एक सफेद कबूतर आया और पूछा कि इधर चटर पटर कौन था। सभी जानवर उस तोता को दिखाया। कबूतर ने कहा कि मैं राजमहल से आया हूँ, कल रात चटर पटर आया और दावत भी खाया, तो महाराज ने आज भी ले आने को भेजा। In the meanwhile, one white peasant came and asked who is Chatter Patter. Animal showed the parrot. Then the peasant said it came from king's palace. Last night, Chatter Patter came to palace and had dinner also. So king sent to bring the parrot to take dinner tonight also. तब तोता को डर लगा, राजमहल में जाने को इनकार किया, लेकिन फायदा नहीं, सैनिक आकर उसे ले लिया। Then the parrot got scared, refused to go, but no use. Soldiers came and take him to the palace. इसलिए किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसकी बुरी प्रभाव से हम